एजेंट ने कहा था कि बाई एयर ही जाना, इसलिए उन्होंने 20 लाख रुपया मांगा था। हर साल गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने की कोशिश में सैकड़ों अफराद जिंदगी की बाजी हार जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद खतरनाक रास्तों से उन ममालिक जाने के ख्वाहिशमंद अफराद की तादाद क्यों बढ़ती जा रही है? डंकी कहते किसे हैं? लोगों को कैसे अगवा कर लिया जाता है और डंकर समंदर के दरमियान खुद कश्ती क्यों डबो देते हैं? बाबर अली ऐसे सैकड़ों पाकिस्तानी महाजरीन में से एक है जो यूनानी साहिल के करीब डूबने वाली कश्ती में सवार थे। तारकीन वतन से भरी इस कश्ती पर कुल 400 से 700 अफराद सवार थे। इनमें से अब तक सिर्फ 104 अफराद को रेस्क्यू किया जा सका है। हादसे का शिकार होने वाली कश्ती पर तारकीन वतन में अली के साथ साथ कई दीगर पाकिस्तानी, शामी और मिस्री भी सवार थे। उनके शौहर बाबर अली ने क्यों ऐसे खतरनाक सफर का इंतखाब किया? अली की फैमिली को इसकी जानिब से गैर कानूनी तरीके से हिजरत करने के फैसले की भारी कीमत अदा करना पड़ी है। 10 लाख रुपया दिया, जिस जगह में हम रहते थे उसे बेच के गया, हम खुद किराए में रह रहे हैं। पाकिस्तान में मुआशी बदहाली और अफराद ज़र के सबब कई नौजवान बैरून मुल्क जाने के लिए इंसानी स्मगलरों के झांसे में आ जाते हैं। हम एजेंट ने कहा था कि बाई एयर ही जाना, इसलिए उन्होंने 20 लाख रुपया मांगा था। पाकिस्तानी मईशत के साथ साथ सियासी सूरत हाल भी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। गुज़िश्ता एक बरस में 7,65,000 पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, जबकि सन 2021 के मुकाबले में ये तादाद 3 गुना ज्यादा है। हालिया वाक़े के बाद पाकिस्तान में 14 अफराद को इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। हुकाम ने मुल्क में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ तहकीकात के अहकाम जारी कर दिए हैं। या ना कोई मदद कर रहा, ना किसी ने पूछा है कि क्या बात है, गरीबों को कोई पूछता ही नहीं है, तो हुकूमत से ये अपील करते हैं कि हमारी मदद करें, हमारे शोहर को ढूंढ के दें।